एलविश यादव इस वक्त नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है सांपों के जहर केस में उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है वही बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब उनके माता पिता अवतार यादव और सुषमा यादव का बयान सामने आया है जो खूब चर्चा में बना हुआ है एलविश के पेरेंट्स ने अपने बेटे आरोप लगे इन आरोपों को सीरे ऐसी नकार दिया है हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एलविश के पिता ने कहा है कोई कुछ भी बोले मेरा बेटा एक हजार प्रतिशत निर्दोष है उसे फंसाया गया है मैं अपने बेटे के लिए चौराहे पर गला कटवा सकता हूँ वही माता पिता ने एलविश के लाइफस्टाइल पर भी बात की उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के पास सिर्फ दो गाड़ियां फोर्चुनर और वैगन आर है वो वीडियो बनाने के लिए अपने दोस्तों से गाड़ियां उधार पर लेता है वीडियो शूट करने के बाद वे गाड़ियां वापस कर देता है बिग बॉस जीतने के बाद उसने कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया था वो अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमाता है उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है अगर वो लग्जरी लाइफ स्टाइल जीता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपराधी है वही जब पेरेंट्स से उनकी यूट्यूब कमाई के बारे में पूछा तो एलविश की माँ कहती है कि ये आप एलविश से ही पूछना जब वो बाहर आ जाए वही एलविश के जेल जाने के बाद उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है सोशल मीडिया पर उनकी मां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने बेटे की याद में रोती हुई नजर आ रही है बता दें कि कुछ समय पहले खबर आई थी कि एलविश यादव ने गुरुग्राम में चौदह करोड़ का घर खरीदा है वही उनका एक घर दुबई में भी है जिसकी कीमत आठ करोड़ रूपए है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेयर करे और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें